गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सभी का स्वागत है मिशन यूपीएससी चैनल पे मैं हूं अनुमिता मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओके सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंट से रिलेटेड तो so, ये आपको दिस वीडियो इज टू ब्रिंग इनटू मूड कि हम लोग एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं राइट right? सुबह साढ़े एनवाकोलॉजी पढ़ाती हूँ सुबह में नेशनल डिजास्टर एट थर्टी पी एम ओके एंड इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कर उसके प्रॉब्लम प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे ये मेरा टेलीग्राम लिंक आ, है मिशन यूपीएससी वन जीरो अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो पे डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड अनुमिता टेन दिस इज द टाइम टेबल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट एट थर्टी सुबह में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज जो है दिस सब्जेक्ट वी आर स्टारिंग एंड शाम को नेचुरल डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं फाइन तो हम लोग क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरल रीफ तो इससे पहले मैं बता दूं कि सेवेंटी परसेंट ऑफ दर्सेंट पोर्शन ऑफ दिस ग्लोब इज कवर्ड विद वाटर राइट ये जो हमारा पृथ्वी है ये अर्थ है उसका सेवेंटी परसेंट जो है वो वाटर से कवर्ड है राइट एंड थर्टी परसेंट इज लैंड तो इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम वो कहाँ हो सकता है

अलग अलग पे अलग अलग इकोसिस्टम अलग, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे इसलिए इसको जोन वाइज डिवाइड किया गया है एंड डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो पाए जाएंगे राइट जो जिस लेवल का वाटर प्रेशर को बेयर कर पाएगा जितना नीचे आप जाओगे जितना नीचे जो एनिमल्स रहेंगे सपोज दिस इज दिस इज द ओशन ठीक है दिस इज अपर लेयर और ये एकदम ऐसे एकदम नीचे में है? तो सबसे नीचे में जहाँ पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं आप देखते हो कलरफुल टाइप कोरल रीफ्स हम लोग आर एबल टू सरवाइव द प्रेशर जो प्रेशर पूरा ऊपर से नीचे तक जो डेप्थ है ये देखो यहाँ से जो सरफेस से नीचे तक का जो पानी का प्रेशर है नीचे तक इसको ये सस्टेन कर सकता है तो यहाँ पे एक वन Uh, layer of uh, animals and plants. Here you will find a few layers distinctively layer different types of and a layer-wise you have different surface depth-wise uh, different animals and organisms will exist or survive. Fine. Right? So uh, above the abyssal zone is the benthic zone. Ab abyssal zone ke benthic zone, hai, a nutrient-rich layer that contains seaweed bacteria. फंगी स्पॉन्जेस फिश एंड अदर फोनाजी फंगी सारे पाए जाते हैं ओपन ओशन विच विच फीचर्स वॉटर विथ अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज दीज ऑफ फिश एज वेल एज सम्स यहाँ पे जो है पैलाजिकोन uh, में जो है वॉटर विथ अ ब्रॉड टेम्परे जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो ब्रॉड रेंज में फॉल करता है यहाँ पे सरफेस पाए जाते हैं इंटर टाइडल ओशन मीट्स लैंड यहाँ पे एकदम मतलब एकदम शैलो जो पोर्शन है ओशन मीट द लैंड इस कवर्ड विदर ड्यूरिंग हाई टाइड एंड इेरेस्टील ड्यूरिंग लो टाइड अलाउिंग वेजिटेशन एंड एनिमल सो so, uh, दोस्तों इसको बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमें रखने की जरूरत है कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ एंड मरीन ब्लीचिंग एनवायरमेंट से रिलेटेड तो हम लोग बिकॉज साइंस तो नहीं पढ़े थे इसलिए बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन की डिफरेंट लेयर्स ठीक है अबाइजर लेयर हो गया पैलाजिक लेयर हो गया सर्फ इंटर टाइडल जोन हो गया आर दीजार डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओशन और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं एग्जाम so uh, के, ले okay, के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा जो कोरल रीफ का लोकेशन क्या है ओशनिक इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्यू है ये थोड़ा सा ब्रीफिंग हम लोग कर लेते हैं

सेकंड चार्ज में डाल दो जस्ट अ सेकंड गाइस आई विल जस्ट पुट इट ऑन चार्ज फॉर माय फोन कर दो प्लीज बी ऑनलाइन आप समझ ही जो सारे ऑर्गेनिज्म होंगे वो इंडिरेक्टली डिपेंडेंट रहेंगे ऑन अदर ऑर्गेनिजम जो उनको नेसेसरी मटेरियल्स प्रोवाइड करे सो दैट डे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड और दे कैन दे आर डिपेंडेंट अपॉन देअर मिनरल रिसोर्सेस

तो वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे वो स्कैवेंजर्स होते हैं मतलब दे आर डिपेंडेंट दैट डेड डेड बॉडी बॉडी वो को खा के ही फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ड्रिफ्टिंग डाउन टू द्लोर वनिक्स विच विल फॉर्म न्यू सी बेड ऑल्सो सपोर्ट एन एक्सट्रीमली स्पेशाइज कम्युनिटी ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड अपॉन सुपर हीटेड स्मोकिंग वेंट्स देखो बहुत समय सी बेड पे भी ना वॉल्केनिकैनिक का ना यहाँ पे वेंट्स होते हैं एंड इट इट कम्स आउट का बहुत समय बेड भी होता है ओशन के नीचे में या ओशन के फ्लोर पे तो यहाँ पे भी वैसे देखे गया है कि यू uh, नो लावा कम्स आउट ऑन द सी बेड एंड देन दीज ऑर्गेनिजम्स आर बींग ड्यू टू दैट दीज वेंट्स स्प्यू आउट हॉट वाटर दैट इज रिच इन मिनरल्स ये जो वेंट्स है मतलब जो ओपनिंग्स हैं जो वेंट इसको वेंट बोलते हैं जहाँ पे सारे जो मैग्मा या लावा मटेरियल्स विच कम्स आउट तो वो जो है दे आर वेरी मच रिच इन मिनरल्स इट कम्सॉज वो तो पानी में ही है तो इट विल ऑटोमेटिकलीस्टेंटली तो दे आर रिच इन मिनरल्स एंड Chemotrophic bacteria create energy by oxidizing the sulfur from the इवेंट and provide food for crab and shrimp species.

यहाँ पे जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनडायरेक्टली उस मिनरल्स को यूटिलाइज करते हैं अपने एनर्जी के लिए अपने फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए हाँ और जो स्कैवेंजर्स होते हैं दे डिपेंड अपॉन द डेड एनिमल्स विच सेटल डाउन ऑन जो ओशन फ्लोर पे जो सारे एनिमल्स मर जाते हैं उनके ऊपर वो फीड करते हैं उससे जो मिनरल्स एंड प्रोटीन उन्हें मिलता है दे आर एबल टू सर्वाइव ऑन फाइन कोरल so, रीप्स हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरल रिप्स इंपॉर्टेंट है इससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कहाँ पे आपको कोरल दैट इज फ्रॉम कोरल रीव्स ये जानते हैं कोरल रीव्स क्या है कोरल रीफ्स आर फॉर्म बाय डेड एंड लिविंग कोरल्स ठीक है

विच सपोर्ट वाइड राइटी ऑफ मरीन एनिमल्स देखो कोरल्स uh, जो है वो एनिमल्स जो मर जाते हैं जो भी बड़े बड़े वेल्स uh, उनका बॉडी नीचे सेटल हो जाता है तो आफ्टर अ पीरियड दे फॉर्म कोरल्स ठीक है और यहाँ पे जब हो जाता है जब ये कोरल्स मर जाते हैं तो फिर वो क्या होता है द रिमेन्स ऑफ डेड कोडल ग्रेजुअली एक्मुलेट टू फॉर्म रीफ ये कोडल्स जब मर जाते हैं तो क्या बन जाता है रीफ जो सपोर्ट करता है फिश को ऑक्टोपाई हील्स ये सारे एनिमल्स जो है इन पे फीड करते हैं रीफ्स पे ओके अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कोरल रीव आर दर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट इको सिस्टम रीफ्स जो है वो सेकेंड इको सिस्टम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन सो कोरल्स आर दर्ल्ड रिचेस्ट इको सिस्टम एंड है वाइड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे जो बहुत ही वाइड वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को सपोर्ट करता है ये कोरल रीफ्स एज ए रिजल्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ दॉरेस्ट इसको कैसे आइए अब इसके डिटेल्स में पढ़ते हैं कोरल रीफ इज एन अंडर वॉटर इको सिस्टम कोरल रीफ जो है ये खुद ही एक अंडर वॉटर इको सिस्टम है इको सिस्टम मतलब बहुत ज्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के जो है वो यहाँ पे आएंगे और ये इको एक एक को फॉर्म करेंगे रीफ बिल्डिंग रीफ रीफ बनता है बिल्डिंग कोरल्स रीफ्स आर फॉर्मड ऑफ कॉलोनीज ये देखो क्लस्टर में रहेंगे इकट्ठे ऐसे ऐसे रहेंगे एक साथ क्लस्टर्स मतलब दो तीन चीज एक साथ आप ऐसे करके डाल दो ना एकदम एकदम चिपका हुआ रहता है तो उसको क्लस्टर्स बोलते हैं तो ये जैसे क्लस्टर में जाते है, मतलब एक जगह सिंगल सिंगल नहीं मिलेगा जैसे ये फिशेज है एक एक करके मूव करते हैं बट एंड रीफ्स आर फाउंड इन क्लस्टर्स इकट्ठे में पाए जाते हैं रीफ्स आर फॉर्मड ऑफ कॉलोनीज ऑफ कोरल हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट ये एक साथ इकट्ठे की क्यों मतलब एक साथ कैसे चिपके रहते हैं क्लस्टर कैसे फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो मोस्ट कोरल रीफ्स आर बिल्ड फ्रॉम स्टोनी कोरल्स बहुत हार्ड रहेगा आपको देख आप जब इसे टच करोगे कुछ बहुत सॉफ्ट रहेंगे कुछ बहुत हार्ड रहेंगे कुछ जो है कोरल स्टोनी कोरल्स क्लस्टर्स इन ग्रुप ये जो कुछ बहुत हार्ड रहेंगे आप टच करोगे तो कुछ जो है दैट्स वेरी यू नो सॉफ्ट एंड फीबल आप uh, उसको टच करोगे यू विल फील दैट क्वाइट सॉफ्ट तो ये जो है ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंडेंट रहते हैं जो हम लोग आगे समझने वाले हैं कुरल हैज कोरल होता है, कोरल हैज सिंबायटिक रिलेशनशिप ईच गिविंग समथिंग टू दी अदर जो सिंबायटिक रिलेशनशिप होता है ना उसमें क्या होता है जो इकट्ठे रहते हैं वो एक दूसरे को मदद करते हैं एक दूसरे अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए फूड के लिए दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर एक दूसरे को वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं और इसी फायदे की वजह से वो इकट्ठे पाए जाते हैं विथ जूज एनथेली किसके साथ ये रहते हैं जूज एनथेली वो माइक्रोस्कोपिक एल्गी रहते हैं कोरल के साथ क्या पाया जाएगा आपको माइक्रोस्कोपिक एल्गी विच लिव ऑन कोरल दिस लिव्स ऑन द कोरल ये एक साथ उसके साथ पाया जाएगा और इसीलिए इनका रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा गया है बिकॉज बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर हाउ इंस्टेड ऑन लिविंग ऑन द सी फ्लोर

फोटोसिंथेसिस ऊपर एलिवेटेड रहता है सो so दैट ये थोड़ा सा भी जो सनलाइट मिले उससे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके और ये न्यूट्रिय प्रोवाइड कर सके कोडल्स को बिकॉज कूडल्स के नॉट डू दोटोसिंथेसिस दैट इज वाई दे आर डिपेंडेंट अपॉन दिसक्रोस्कोपिक एल्गी और इसको क्या फायदा मिलता है जो कलरफुल आप देख रहे हो ना एक्चुअली तो कोरल्स के कलर नहीं है वो एल्गी जो है वो उसके टिश्यूज में पाए जाते हैं मौजूद रहते हैं दैट इज वाई दलर इज सीन जो कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कलर भी जो है वही कोरल्स के कलर के साथ इकट्ठे दिखता है एंड इन क्लस्टर हम लोग जब निकट आई से देखते हैं तो हमें दिखता है कि इट्स इट्स कलरफुल राइट पर वो कलर कोरल का नहीं रहता है कलर इज ऑफ दिस या माइक्रोस्कोपिक तो आप समझ गए ये कैसे इकट्ठे साथ क्यों रहते हैं Because ये एक उसको तो uh, 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 तो वो घर मिल गया uh, माइक्रोस्कोपिक एल्गी को माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो है वो बोलता है कि मैं आपको खाना बना के दूंगा न्यूट्रिय एंड मिनरल्स आपको प्रोवाइड करूंगा तो हियर तो ये एग्रीमेंट uh, और ये बॉन्डिंग के साथ दोनों इकट्ठे रहते हैं सो so, आगे तो दे होस्ट कोरल पॉलिप इन रिटर्न प्रोवाइड्स से जूज एंथली विद अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट टू लिव विद इन अब 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 जूज एंथली जो है जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है उसने तो खाना बना के न्यूट्रिएंट्स मिच रिच मिनरल सब प्रोवाइड किया कोरल्स uh, को अब कोरल उसको एक होम प्रोवाइड करता है सेफर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है

Uh, जो बिल्डर्स होते कोरल कोरल रीफ का आ, उसको टाइनी एनिमल्स को पॉलिप्स कहते हैं दीज आर दी फ्यू पिक्चर्स ऑफ पॉलिप्स हुं? अब देखना पानी के अंदर वो सारे ऐसे करके मूव करते हैं स्विंग करते हैं तो जो छोटे छोटे जो बिल्ड करता है कोरल रीफ्स को उसको पॉलिप्स कहते हैं दिस पॉलिप्स थ्राइड ग्रो एंड देन डाई दे लीव द लाइमस्टोन कैल्शियम स्केलेटन बिहाइंड

कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन के ऊपर लेयर पे लेयर पे पे बनाते बनाते जो है कोरल बना देते हैं लेर रीफ बिल्डिंग ऐसे करके रीफ बनता है आप समझ गए पहले तो हम लोग कोरल समझ गए और अब हम लोग रीफ को समझ रहे हैं क्या है द रीफ बिल्डिंग और हर हरमा टाइपिक कोडल्स कैन फॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ शेप्स बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स का ये रूप धारण करता है कोरल रीफ्स में भी ब्रांच देखो ब्रांचेस के फॉर्म में देखेंगे

अक्रॉस दर्ल्ड डिफरेंट 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 ओशन में डिफरेंट टाइप्स के देखोगे सो दीज वेरिएशन नेचर इज इज वेरी ब्यूटीफुलरल आपको देखने को मिलेगा मेजोरिटी ऑफ कोरल रीव आर फाउंड इन द्रॉपिकल मेजोरिटी आपको कहा मिल जाएगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वॉटर दे आर आर ऑल्सो डीप वाटर कोरल्स इन कोल्डर रीजन कोल्डर रीजन में भी देखा जाएगा बट मैक्सिमम जो है ट्रॉपिकल रीजन में देखा जाता है जैसे देखो ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द सेम वे कोडल रेवस भी ज्यादा मैक्सिमम uh, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं ये अब एंड बिलो द इक्वेटर इसको ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है ठीक है ट्रॉपिक ऑफ ये हो गया ना जीरो डिग्री ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉन ठीक है तो ये जो ट्रॉप इस रीजन को ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है और इसके थोड़ा सा और नीचे रीजन को सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाएगा तो दिस इज हाउ इट इज तो ये सारे जो है ज्यादातर ये सारे जोन में ट्रॉपिकल जोन में क्लस्टर रहते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है दोस्तों कोरल रीव, कोरल रीफ्स के दे ऑकर इन शैलो ट्रॉपिकल एरियाज द सी वाटर इज क्लीन यहाँ पे पानी जो है क्लीन रहेगा क्लियर एंड वार्म. वार्म मैंने कहा क्योंकि आप देख लो सब चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे ना दिस इज जीरो डिग्री इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ ठीक है और ये सनलाइट ठीक दिस इज सन एंड दिस इज प्रोवाइडिंग यू लाइट जैसे जिस सारे जगह पे लाइट जाती है आप देख रहे हो ट्रेवल्ड बाई सन लाइट इज लेस मिनिमम ठीक है इक्वेटर या इक्वेटर के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा इक्वेटर पे ड्रॉप ऑफ कैंसर रीजन पे जो ये जो रीजन है यहाँ पे भी धूप अच्छी खासी धूप यहाँ पे जाती है दैट्स वॉटर इज क्वाइट वार्म एस कम्पेयर टू एंटार्टिका आर्टिका एंटार्टिका ये जो नॉर्थ एन पोल्स की तरफ जो पानी है या जो वाटर ओशन है वो सारी जगह पर बहुत ही ठंड रहने की वजह से वहां पे जो है कोरल रेव जो है कम पाए जाते हैं एंड एग्जिस्टेंस ऑफ वाइड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो लिटिल बिट लेस तो ये सारे ट्रॉपिकल एरियाज में पानी क्या होता है क्लीन रहता है वॉर्म एंड क्लियर कोरल रिव कव इन इंडिया वॉटर बॉडी to रफली एस्टिमेटेड 19,000 थाउजेंड स्क्लोमीटर देखो कोरल रिव्स जो इंडिया का कवर है इंडियन वाटर्स जो इंडियन वाटर में कोरल रीफ्स कितने कोरल रीफ्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम विथ हाई बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बहुत कॉम्प्लेक्स भी है बिकॉज

जो कोरल एनिमल्स है एनजूजेंथली माइक्रोस्कोपिक एलगी है तो कोरल बिल्ड रीफ बिल्डिंग कोरल्स कैसे होगा कि उसके ऊपर में आप देखोगे कि पॉलिप्स पॉलिप्स जैसे ऐसे ऐसे दिखेगा छोटा छोटा ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये दे मूव एंड स्विंग विद वाटर ऐसे ऐसे करके मूव करते रहते हैं एंड उसके साथ क्या पाया जाएगा माइक्रोस्कोपिक एलगी या जूज ये दोनों इकट्ठे एक साथ रहते हैं एंड दे हेल्प इन कोरल बिल्डिंग स्लो कॉलोनीज़ ऑफ एनिमल्स वाइज एनथलीस आर फास्ट कोरल जो है बहुत आ, थोड़ा स्लो फॉर्म होता है ग्रो करते हैं जूज एंथलीट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग वेरी फास्ट इवन दोन्य बहुत ही न्यूट्रेन पोअर वाटर रहेगा ना बहुत डीप डाउन सी है तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स भी बहुत कम रहते हैं तो दे आर डिपेंडेंट अपॉन न्यूट्रेंट पुअर वाटर दिस कैपेबिलिटी टू रीसायकल दिस दिस न्यूट्रिएंट्स बाय होल न्यूट्रेंट कम्युनिटी इज इनॉर्मस लेकिन ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम पाए जाते हैं ना सी में जितना क्लियर पानी है जितना सेगमेंट्स कम है नो no, uh, जैसे फ्रेश वाटर में क्या होता है दोस्तों इट कैरीज मिनरल्स जब वो मिट्टी के ऊपर से वो फ्लो करता है पानी तो बहुत सारे रिच मिनरल्स पार्टिकल्स ही अपने साथ कैरी करता है बट फॉर ओशन जितना आप डीप जाओगे उसकी क्लैरिटी उतनी अच्छी रहती है इसीलिए यहाँ पे uh, जो है पानी का न्यूट्रिय लेवल जो है वो लो रहता है तो कोरल्स का क्या हो जाता है कैपेसिटी टू रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स जो कम जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको रिसाइकिल करके उसे यूटिलाईज करते हैं करते हैं इन कोरल रीफ सिस्टम मेनी इनवर्टेब्रेट्स वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स लिव इन क्लोज एसोसिएशन बहुत ज्यादा वर्टिब्रेट्स जो है अह भरत क्या पूछ रहे हो मैम ये मूव तो कर नहीं सकते कोरल आइलैंड वो को कोरल आइलैंड नहीं ये समुंदर के अंदर पाया जाता है ये देखो आप ये सारे हैं ये 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 आप ये मैं पढ़ा रही हूं कि दिस इज़ फाउंड डीप द सी और ये हल्का हल्का मूव करते हैं पानी के साथ इसके ऊपर जो एलगी रहता है ना जो इसके साथ रहता है वो मूव करता है ये लोग इकट्ठे रहते हैं एक साथ रहते हैं उसके टिश्यूज में मौजूद रहते हैं और क्योंकि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कोरल से लेता है तो ये एक बिल्कुल दोनों एक साथ रहते हैं इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी जब मूव करता है कोरल्स भी एक साथ मूव करते हैं बट स्लाइट मूवमेंट होता है ऐसा नहीं पूरा शिफ्ट नहीं होता है बट मूवमेंट्स देखा जाता है राइट तो बोथ आर लिविंग बोथ आर लिविंग बींगस एंड बोथ को दोनों एक साथ जो है सिम्बाइटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं एक जो है खाना बनाता है कोरल रिफ के लिए माइक्रो मतलब जूज जिसको हम बोलते हैं हैं या माइक्रोस्कोपिक वो कोरल्स के लिए खाना बनाते थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कोरल्स जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और घर प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है तो ये दोनों एक साथ रहते हैं दोनों में मूवमेंट्स देखे जाते हैं इट विल नॉट शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट वहीं पे रह के आप देखो कि हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके पानी के साथ दे कीप ऑन मूविंग थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट्स देखा जाता है हाँ, तो ठीक है ओके सो इन कोरल रीफ इकोसिस्टम मेनी इन वर्टी ब्रेडी ब्रेड्स एंड प्लाट्स यहाँ पे ना बहुत सारे एनिमल्स भी वहां पे रहने लगते हैं उसके बीच का जो जगह रहता है वहां पर कुछ एनिमल्स वहां पे सर्वाइव करते रहते हैं एंड विथ टाइट रिसोर्स कपलिंग एंड रिसाइकलिंग अलाउिंग कोरल रीफ्स टू हैव एक्सट्रीमली टि एंड बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा ये करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंने आपको कहा कि इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है क्योंकि लैंड पे जो रेन फॉरेस्ट एरिया होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया दैट इज वेरी मच रिच इन वाइल्ड वेराइटीज ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेन फॉरेस्ट एरिया रहते हैं वहां पर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं तो इस वजह से यहाँ समुंदर के अंदर भी एक दुनिया अलग है तो इस दुनिया को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ इट्स जो बहुत ही इकोसिस्टम uh, एक रिच इकोसिस्टम uh, को सपोर्ट करता है इसीलिए ये देखिए ओके भारत वेलकम तो क्लासिफिकेशन कैसे करें द कोरल रीफ्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन दियर लोकेशन डिफरेंट लोकेशन पर हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रिंजिंग रीफ आर कंटिन्यूअस विथ द शोर एंड दे आर मोस्ट कॉमन बाई ऑकरिंग रीफ फॉर्म अराउंड द्स अंडमानस में जो हम लोग कोरल रीव देखते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन है देखो डाइवर्स वगैरह आते हैं इसको देखते हैं घूमते हैं उसको स्टडी करते हैं और ये डेटा उन्हें मिलता है तो सबसे ज्यादा जो है शोर एंड दे आर मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा कॉमन जो अंडमान में पाया जाता है वो फ्रिंजिंग रीव्स है और ये बहुत ही कंटिन्यूसली अंडमान के अंडर वाटर में पाया गया है पैच रीफ्स आर एसोसिएटेड आइसोलेटेड पैच रीफ हो गया दूसरा टाइप फ्रिंजिंग रीफ्स हो गया पहला टाइप इंडिया के ये हम लोग संदर्भ में पढ़ रहे हैं आर आइसोलेटेड एंड डिसकंटिन्यूस पैचेस लाइंग शोरवर्ड और रीफ स्ट्रक्चर एज सीन इन दी पाल्क बे गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ कच्छ ये सारे जगह देखो ये जो गल्फ ऑफ कच्छ हो गया हाँ गुजरात के नीचे गल्फ ऑफ मन्नार हो गया पाल्क बे हो गया ये सारे जगह पे ये सारे लोकेशन पे सब कोस्टल पे ही पैनेशला इंडिया में ही है सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे जो है वो लोकेटेड है तो ये सारे जगह पे क्या होता है वहां पे पैच रीफ पाया गया है बैरियर बैरियर रीफ आर लीनियर बैरियर रीफ है वो दूसरे प्रकार का है आर लीनियर ऑफ शोर रीफ स्ट्रक्चर दैट रन पैरल टू द कोस्ट लाइन एंड राइज फ्रॉम द दबर्स शेल्फ प्लेटफॉर्म ये जो लीनियर ऑफ शोर है मतलब ये आप जो है इसको बहुत कंटिन्यूड फॉर्म में देखोगे एंड इट्स ऑन द कोस्टल साइड Uh, मतलब कोस्ट के पैरलो बैरियर रीफ कहा जाता है सबमर्ज शेल्फ प्लेटफॉर्म जो आधा मतलब डूबा रहता है ना प्लेटफॉर्म के तरह जो सी फ्लोर रहता है वहां पर पाया जाता है शेलो रहता है दॉटर बॉडी बिटवीन द रीफ एंड द रीफ एंड दोर इस टर्मलेस लगून बड़िया रीफ्स आज सीन इंदी निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड और निकोबार में आपको बड़िया रीफ्स भी मिलने को मिलेगा और ठीक है जहाँ पे मतलब आप डाइविंग कर सकते हो देखोगे की लैंड जो सर ले, मतलब जो फ्लोर ऑफ द ओशन है ना दैट्स नॉट वेरी मच डीप थोड़ा सा एक्सटेंड बीच से थोड़ा सा आप अंदर जाओगे तो आपको ये सारे रीफ्स देखने को मिल जाएंगे एंड टूरिस्ट भी ये सारे एक्टिविटीज एडवेंचर एक्टिविटीज आद्व जो है उसका फायदा उठाते हैं एंड दैट्स वेरी मच एडवेंचरस लोग इसीलिए अंडमान एंड निकोबार घूमते हैं बिकॉज दे गेट टू सी दिस कोरल कोरल रीव उन्हें देखने को मिलता है ठीक है ओके क्लासिफिकेशन एंड देयर लोकेशन अब इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे लोकेशन वाइज अटोल्स कहाँ पे पाया जाता है अटोल्स लक्षद्वीप एंड निकोबार आइलैंड्स में पाया जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आर दी आयलैंड इंडिया के ये आईलैंड है और यहाँ पे अटोल्स आर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर रीफ दैट अराइज फ्रॉम सबसाइडिंग सी फ्लोर प्लेटफॉर्म एज कोरल रीफ बिल्डिंग कीप्स अहेड ऑफ सब्सिडेंस ये जो ना सर्कुलर टाइप में पाए जाते हैं ये कोरल रीफ देखो ये जो लाइलिंग आप देख रहे हो ना ये बीच हो गया ग्रीन पोर्शन हो गया बीच और ये समुन्दर होगा ठीक है तो दिस दिस पोर्शन ये जो पोर्शन पे आप यहाँ पे लोग डाइव करते हैं घूमते हैं इसका मजा लेते हैं और ये जो सर्कुलर पोर्शन में आप देखोगे दैट इज कॉल्ड अटोल्स और ये कहा लक्षद्वीप एंड निकोबार आइलैंड्स के पास में पाए जाते हैं ठीक है When the reef building do not keep pace with the subsist, uh, subsidence, reef becomes submerged banks as seen in Lakshadweep. Reef जो है इसमें uh, इसके reef जो है वो continuously grow नहीं करते तो submerged banks बन जाते हैं मतलब वो जो डूबा हुआ portion होता है ना land से थोड़ा सा extend करते हुए जो portion होता है उसे bank कहते हैं। तो जब वहाँ पे continuous जो है reef बन रहा था but उसका speed जो है वो gradually कम हो चुका है then it forms a part of the समस्ट बैंक इन लक्ष्य दीप द्रासेस ग्रो ऑन कवराटी अटोल मैंग्रोव आर प्रन एंडमान एंड निकोबारीव इस जगह पे जो है मैंग्रोव भी ग्रो करते हैं अटोल कवरिंग इन टू फ्रिंजिंग देखिये ये जो एक डिफरेंट ये जो है डिफरेंट टाइप है हम लोग क्लासिफिकेशन ये जो हम लोग फ्रिंजिंग या पैच एंड अटोल ये जो है डिफरेंट कोरल रीव क्लासिफिकेशन है फ्रिंजिंग जो है वो कंटिन्यू है देखो लम ऐसे करके ये अंडमान में पाया जाएगा फ्रिंजिंग एंड विद शोर शोर मतलब जो तट है तट के साथ वो कंटिन्यूअसली वो एक्सटेंड करता रहेगा लेकिन हम लोग अटोल जो है वो सर्कुलर मोशन में आ ऐसे करके पैच में पाया जाएगा देखो यहाँ पे जैसे ये राउंड सर्कल करके होगा इट्स नॉट इन कंटिन्यूड पोर्शन फिर यहाँ पे जो है आप डिफरेंट टाइप के देखने पाओगे तो जो सर्कुलर पोर्शन में होता है ये ऐसे राउंड करके सर्कुलर सराउंडिंग एरियाज में हो गया ये जैसे आइलैंड हो गया आइलैंड के सराउंडिंग में जो कोरल्स दिख गए तो सरकार कर अटोल्स तो ये जो सराउंडिंग एरियाज में हो गया वो अटोल्स अवेयर फ्रिंजिंग जो है वो कंटिन्यूड फॉर्म में uh, पाया जाता है और जैसे आप इसको समझोगे आगे तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी Uh, भरत नहीं अटोल अटोल इज अ डिफरेंट टाइप एंड फ्रिंजिंग इज अ डिफरेंट वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है दिस आर टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ रीफ्स ठीक है ये दो अलग अलग प्रकार के हैं बाई देर लोकेशन आप देखो ये सर्कुलर मोशन में सर्कुलर uh, फॉर्म में पाया जाता है वाराज कंटिन्यूअस फॉर्म ठीक है आप आगे, तो आगे पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा सी ग्रासेस ग्रो ऑन कारावटी अटोल्स

तो यहाँ पे भी जो है ये पाए जाते हैं लक्षद्वीप पैलेंस गल्फ ऑफ मन्नार ये सारे लोकेशन पे आ, ये जो है अटोल्स वो पाए जाएंगे ठीक है कोरल रीफ्स आर नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर बैरियर्स अगेंस्ट इरोशन एंड स्टॉर्म फंक्शन क्या है कोरल रीफ्स के इंडिया के संदर्भ में ज्यादातर ये पाए जाते हैं अटोल्स तो दिस इज इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिया अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है कोरल रीफ्स आर नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स अगेंस्ट इरोशन एंड स्टॉर्म सर्ज कोरल जो है वो हेल्प करता है कि नेचुरल इरोशन ना हो एनिमल्स आर हाईली फॉर कैप्चरिंग प्लैंकटन फ्रॉम दी कोरल जो एनिमल्स रहते हैं वो फ्लैंगटन मतलब जो आ, जो उस, मतलब पेड़ समुद्र के अंदर जो पेड़ रहते हैं उसको फ्लैंगट कहते हैं एंड जो एनिमल्स इस पर डिपेंड करते हैं तो जू फ्लैंगटन और वो अपनी न्यूट्रिएंट्स ये सारे आ, plants, पे आ, से लेते हैं दे आर कैप्चरिंग दे आर वेरी मच एक्टिव इन कैप्चरिंग फॉर द द फ्रॉम एंड एनिमल्स जू लार्ज बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर होते हैं ये लोग दे प्रोवाइड सब स्ट्रेट फॉर मैनग्रोव मैनग्रोव क्योंकि यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि अंडमान में हम पढ़े कि मैनग्रोव ग्रो uh, करते हैं तो उनको क्या uh, एक बेस प्रोवाइड करता है एक uh, you know, जहां पे वो ग्रो कर सकते हैं तो इट प्रोवाइड्स एन एक्सटेंडेड बेस

इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है लेकिन अभी इट्स फेसिंग थ्रेट वाइड इसको खतरा है क्यों डिस्ट्रॉइंग बाय ब्लीचिंग एंड डेस्ट्रॉइंग्लीशन ऑफ एसेंशियल बहुत सारे जो हैं जो इन पर डिपेंड करते हैं इनको साइड बाय साइड यू नो ग्रो करने में मदद करते हैं उनका डिप्लेशन हो रहा है मतलब उनका एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में है या कम पाया जा रहा है आंतरोजेनिक कॉसेस क्या है ये तो नेचुरल हो गया कि अभी जो है वो जो माइक्रोस्कोपिक uh, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एलगी हैं, उनका प्रेजेंस जो है वो कम गया है जिसकी वजह से कोरल्स को भी सर्वाइव करने में जो है उन्हें थ्रेट फील हो रहा है मतलब इट्स अ सिचुएशन नाउ अब एंथ्रोजेनिक कॉजेस क्या है मतलब मैनमेड, मेड मे बी ड्यू टू केमिकल पॉपुलेशन केमिकल पॉल्यूशन केमिकल जो है हम लोग जो है हम लोग वहां पे जैसे शिप्स जाते हैं वहां पे ऑयल बैरल्स डूब गया शिप

Uh, जो भी अगर व्हाटएवर इट वाज़ कैरिंग दोस केमिकल्स वेर मतलब समुद्र में वो घुल गया अब वो क्या होगा दैट वाज़ क्रिएटिंग अ थ्रेट टू द ऑल द एनिमल्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स कोरल रीफ्स व्हिच वाज़ देयर इन द सी ठीक है और क्या-क्या है पेस्टिसाइड कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा जैसे बीच पे मैं तो अंडमान काली रात में मैं पढ़ा रही थी अ एकेडमी के बीच पे कि वहां पे एक इंपॉर्टेंट ये पलाव है जो विश्व का पहला कंट्री है जिसने बैन कर दिया है कि सनस्क्रीन कोई लगा के अब समुंदर में नहीं जा सकता है तो जब ये बैन आ जाता है ना तो सनस्क्रीन में जो जो पार्टिकल्स पाए गए हैं दोज आर वेरी मच हार्मफुल फॉर कोरल दोज आर आर हार्मफुल फॉर दी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस ओशन या आप कह सकते हैं कि ये जो कॉस्मेटिक्स वगैरह सब बीच पे लगा के जाते हैं सनस्क्रीन लोशंस यू नो टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम गेटिंग टैंड तो ये सारे जो है एंड दिस इज हैपनिंग डेली कंटिन्यूअसली हर रोज ये चीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल हैव है वेरी बैड इफेक्ट ऑन दिस ओशन इकोसिस्टम ठीक है तो इट हैज बी प्रिवेंटेड पलाओ ने यह पहला एक्शन लिया है उसने बैन कर दिया है अंडमान में भी ये चीज बैन हो जाना चाहिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मैकेनिकल डैमेज न्यूट्रिएंट लोडिंग और सेडिमेंट लोडिंग ड्रेजिंग शिपिंग टूरिज्म माइनिंग कलेक्शन थर्मल पॉल्यूशन इंटेंसिव फिशिंग ठीक है ये सारे रीजन की वजह से जो है बहुत ज्यादा थर्मल पॉल्यूशन होता है आसपास अगर फैक्ट्रीज है उससे जो पॉल्यूशन होते हैं फिर वो पार्टिकल्स पानी में जाते हैं ना सेटल होने के लिए फिर यू नो शिपिंग के वजह से जो डिस होते हैं टूरिज्म के वजह से जो भी गंदगी फैलती है सारे पॉल्यूशन जो है एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है

बहुत ज्यादा हम लोग यू नो अंदर जाते हैं रिसर्च करते हैं कि भाई समुद्र के अंदर क्या है यू नो इट्स कंटिन्यूसली प्रोसेस आप हमेशा देखो कुछ डाइव डाइवर्स वहां पे जाते हैं रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ये सोचते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए जिससे कुछ दवा बन जाए ये सारे चीज के लिए हमेशा वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और फिशिंग एक्टिविटी जो है वो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ थ्रेट राइट

ठीक है देखियो मेरे वीडियो में ये स्टार्टिंग में रहेगा सो दैट यू विल कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी देखो आपको ये वीडियो कितना सुकून दे रहा है आई फाउंड इट वेरी यूजफुल एंड मुझे लगा कि इट्स इट्स रियली गिविंग मी अ पीस सेंस ऑफ पीस एंड इट्स इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दिस ब्यूटी तो दोस्तों ओशन में जो इकोसिस्टम है समुन्दर में जो इकोसिस्टम इट इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम बिकॉज इट कवर्स सेवेंटी परसेंट ऑफ दर्थ सर्फेस ठीक थर्टी परसेंट लैंड है सेवेंटी परसेंट ओशन है सी कवर्ड बाई सीज़ एंड ओशंस सो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है फाइन तो इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो करते हैं बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट लेयर Uh, देखो ये तो सिर्फ सरफेस वाइज से नहीं फैला हुआ है डेप्थ में भी इसमें है मिट्टी में डेप्थ वाइज जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा दैट्स नॉट बिकॉज थोड़ा बहुत माइक्रो अपर लेयर में पाए जाएंगे बट समुंदर में तो या ऊपर का सरफेस का भी एरिया है और डेप्थ भी है डेप्थ वाइज भी एरिया है ना लेयर वाइज देखो ये लेयर में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स पाए गए ठीक फिर ये लेयर में पाए जाएंगे फिर ये लेयर में, तब लेयर मतलब वाइज आर एग्जिस्टिंग राइट इज नॉट इन द केस ऑफ लैंड लैंड में तो ऐसा लेयर वाइज नहीं है ना जो है वो ऊपर का सरफेस है ठीक बट पानी में तो थ्री डी है ऊपर भी है हाइट भी है सब कुछ है तो इट्स थ्री डी वर्जन तो यहाँ पे जो है डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट मतलब वाटर लेवल के प्रेशर वाइज डिफरेंट पेनिट्रेशन ऑफ सन रेज ये सब जो है वो इफेक्ट करता है

ये सारे जो डिफरेंट इंटर टाइडल जोन ये चार जोन है फोर uh, जोन में इसको कैटेगराइज किया गया है ठीक है तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ग्रो करते हैं डिफरेंट जोन्स में डीप ओशन uh, दोस्तों ओशन uh, जो है समुन्द्र के जो है लेयर्स में जैसे कि मैंने आपको कहा डिफरेंट ओशन डिफरेंट लेयर वाइज जो है एकदम डीप ओशन में सनरेज जो है वो कम पेनिट्रेट करता है सनलाइट जो कम पेनिट्रेट करता है

इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे लिए बिकॉज इट सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर फिश ये देखो यहाँ पे बहुत सारे फिश हैं उनका वो उसमें अपना घर बना लेते हैं कि उसके जो छोटे छोटे गैप्स हैं दे स्टे देयर तो इट सपोर्ट्स अ लॉट वाइड वेराइटी ऑफ अंडर वाटर इको ये उसको हेल्प करने में मदद करती है एंड दिस इज ये जो कोरल और रीफ के बीच uh, कोरल और के बीच में ना सिम्बाइटिक रिलेशनशिप होता है सिम्बैटिक रिलेशनशिप मतलब दे बोथ गेट बेनिफिट फ्रॉम इच अदर दो माइक्रोस्कोपिकलगी उसके साथ ही रहता है ठीक है और जूजैन थली जो है उसको फूड बना के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्रोवाइडेड टू कोडल्स दिस को एग्जिस्टेंस दिस हेल्प हैज हेल्प देम टू स्टे टूगेदर और जो कलर आप देख हो ना डिफरेंट कलर्स यहाँ पे जो आप कलर्स देख हो ना ये कोडल्स के नहीं ये के है, है। so, इसीलिए ये कलर जो है ओवरऑल जो है आपको एक कलर दिखता है और हम लोग को लगता है माइक्रोस्कोपिक एल्गीज तो दिस इज म्यूचुअली दे गेट देनिफिट फ्रॉम ईच अदर ठीक है तो हम लोग ये सारे चीज पढ़ लिए

नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना सी पे वो अगर स्पिल हो जाता है तो वो पूरा वहां के जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेज प्लांट है इट हैज सीन मेनी टाइम्स दैट ऑयल का बैरल जो है वो स्पिल हो गया राइट right? पेट्रोल गिर, गिर गया या कोई केमिकल्स वो लोग कैरी कर रहे थे वो उसमें डूब जाने के कारण वहां पे बहुत सारे एनिमल्स की जान चली गई तो ये सारे रीजंस जो है रहते हैं प्लस जैसे अंडमान निकोबार Uh, वगैरह का एग्जाम्पल ले ले मालदीव का एग्जाम्पल ले ले इसके आसपास जो एरिया है वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ पीपल अप्लाई सनस्क्रीन ऑन दमसेल्स एंड एवरी डे इट तो सनस्क्रीन जो है ये बहुत हार्मफुल है अगेंस्ट दिस कोरल रीव एंड उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दोस आर क्रिएटिंग ए थ्रेट फॉर दिस कोरल रीव्स ये यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनके लिए अच्छा नहीं है जैसे पलाओ जो है पहला कंट्री है जिसने ये बैन कर तो पलाओ इज कंट्री और वैसे अंडमान निकोबार मॉलिव ये सारे जो डिफरेंट रीजनस है जो बीचेज है वहां पे ये बैन हो जाना चाहिए फाइन तो so uh, दोस्तों सिर्फ पांच महीने बचे हुए हैं आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन स के बैच है सो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉमैडमी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और एपल स्टोर और जैसे कि आप देख सकते सारे सब्सक्रिप्शन आपके लिए है सिक्स मंथ्स ट्वेंटी फोर एंड थर्टी सिक्स मंथ्स को डिस्काउंट ठीक है अनुमिता थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग कल हम लोग कोरल ब्लीचिंग पढ़ेंगे uh, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या है कोरल ब्लीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा, जा सकते हैं सो सी यू टूमो बाय